हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बन, वेलकम टू चैनल कोडल। हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 97 पर। यहाँ पर हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इसका नाम है पहले का डिसजॉइंट सेट एंड सेकंड क्रिस्कल्स एल्गोरिथम। तो क्रिस्कल्स एल्गोरिथम को हम इंप्लीमेंट करने के लिए डिसजॉइंट सेट का यूज करेंगे। वहां पर जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, यूनियन बाय रैंक एंड पाथ कंप्रेशन, वो कॉन्सेप्ट हम इंप्लीमेंट करेंगे, यूज करेंगे क्रिस्कल्स एल्गोरिथम के अंदर। तो वो सीखने से पहले, इंप्लीमेंट करने से पहले, ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इसको सॉल्व करने से पहले हमारे लिए प्रीरिक्विजिट ये है कि हमें डिसजॉइंट सेट को समझना पड़ेगा। तो मैंने कहा डिसजॉइंट सेट, वाओ, मैंने कहा डिसजॉइंट सेट जो है एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है, एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर जिसको आप यूज करने वाले हैं क्रिस्कल्स एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने में। आप साइकिल डिटेक्ट करना चाहें तो वो इससे कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मान लीजिए, जैसे हमने सीखा ग्राफ्स के अंदर बहुत सारे कॉम्पोनेंट होते हैं। लेट्स से एक ग्राफ है जी, इसके अंदर मल्टीपल कॉम्पोनेंट हैं, C1, C2, C3, राइट। हम पहले देख चुके हैं DFS के अंदर कि मल्टीपल कॉम्पोनेंट या डिसकनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं एक ग्राफ के अंदर। तो अगर मुझे पता लगाना है, लेट्स से मेरे पास दो नोड आ गई है, एक नोड है U और एक नोड है V, मुझे ये पता लगाना है क्या ये सेम कॉम्पोनेंट से बिलोंग करते हैं या फिर डिफरेंट कॉम्पोनेंट से। तो वो सेम और डिफरेंट कॉम्पोनेंट वाला फंडा भी क्लियर किया जा सकता है यूजिंग डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट के द्वारा हम पता लगवा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये सेम कंपोनेंट की गेम है, सेम कंपोनेंट के अंदर लाई करते हैं या फिर डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर लाई करते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई है। मैंने बोला कि यार यहाँ पर दो मेजर ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस बेसिकली होते हैं। पहला होता है आपका फाइंड पेरेंट, या फिर कहीं पर इसे फाइंड सेट भी कहा जाता है, राइट। और सेकेंड जो आपका इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है वो होता है यूनियन, कहीं पर यूनियन कहते हैं, कहीं पर यूनियन सेट कहा जाता है, राइट। इस प्रकार से तो ये दो जो ऑपरेशन है, दो ऑपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस ऑपरेशन का क्या क्या काम है वो मैं अभी आपको दर्शा देता हूं। लेट्स से हमारे पास पांच डिसकनेक्टेड कॉम्पोनेंट है, पांच डिसकनेक्टेड कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो मैंने कहा लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच अलग अलग डिस्कनेक्टेड कॉम्पोनेंट, और मान के चलिए कि इसकी एज इस प्रकार आ रही है, इसकी एज इस प्रकार आ रही है, इसकी एज इस प्रकार आ रही है, और इसकी इस प्रकार, इसकी इस प्रकार। बेसिकली हर नोड अपनी खुद की पेरेंट है। बहुत बढ़िया, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। पांच ये डिस्कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स हैं और हर नोड का पेरेंट वो खुद ही है। अब अगर यहाँ पे आकर मैं आपको बोलूं कि यार ऐसा करो, फाइंड पेरेंट में अगर मैं किसी का भी नाम दूं कि फाइंड पेरेंट, अभी लेट से फाइंड पेरेंट ऑफ 1 करूंगा तो आंसर 1 आएगा, फाइंड पेरेंट ऑफ 2 करूंगा तो आंसर 2 आएगा, 3 करूंगा तो आंसर 3 आएगा, 4 करूंगा तो आंसर 4 आएगा, 5 करूंगा तो आंसर 5 ही आने वाला है। ये बात समझ में आ गई। अगर फाइंड पेरेंट चलो हमने देख लिया इन सब पे अप्लाई करके, अब एक बार यूनियन अप्लाई करके देखें तो क्या होगा। लेट से मैंने आपको बोला यूनियन कर दो 1, 2 का, अब आएगा मजा। तो जब मैं कहता हूँ यूनियन कर दो ये वाले दो कॉम्पोनेंट का, तो असलियत में क्या होता है, आप एक सिंगल कॉम्पोनेंट बना देते हैं जिसके अंदर आपका 1 वाला और 2 वाला नोड आ गया है, और आपने बोल दिया कि भाई इस कॉम्पोनेंट का पेरेंट कौन है, इस कॉम्पोनेंट का पेरेंट 1 है, ठीक है। लेट से मैंने इसके बाद बोला यूनियन कर दो 4, 5 का, तो आपने बोला ठीक है इन दोनों कॉम्पोनेंट का यूनियन करना है, तो आपने एक और कॉम्पोनेंट बना दिया मेजर, इसमें 4 को डाल दिया और 5 को डाल दिया, और आपने बोल दिया लेट से इस पूरे कॉम्पोनेंट का पेरेंट 4 है। बहुत बढ़िया। लेट से अब अगर मैं आता हूँ और बोलता हूँ आपको यूनियन कर दो 3 का और 5 का, तो आपने क्या देखा, 3 जो है वो इस कॉम्पोनेंट के अंदर है और 5 जो है वो इस वाले कॉम्पोनेंट के अंदर। आपने इस पूरे को एक के अंदर डाल दिया, एक पूरे को एक के अंदर डाल दिया, आपने बोला 4, 5, 3, राइट, और आपने क्या बोला, पूरे कॉम्पोनेंट लेट से 4 है, ठीक है। अब लेट से आपके पास एक यूनियन की कॉल आती है, आप कहते हो यूनियन कर दो 1, 3 का, अब क्या दिखता है 1 जो है वो इस वाले कॉम्पोनेंट में, 3 जो है वो इस वाले कॉम्पोनेंट में है, तो आपको क्या हुआ, आपका एंटायर जो है वो एक सिंगल कंपोनेंट के अंदर आ गया, और अपना लेट से इस पूरे का पेरेंट जो है वो 1 है। अभी बहुत बेसिक एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, ठीक है। इसकी एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन जो है, इसकी जो एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन है वो आप कर सकते हैं यूजिंग यूनियन बाय रैंक एंड पाथ कंप्रेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक होता है इसके अंदर, अभी इसको सीखेंगे, ठीक है। अभी इसको बिल्कुल अच्छी से समझ लेंगे। यूनियन बाय रैंक एंड पाथ कंप्रेशन की बात हम कर रहे हैं। तो मैंने कहा लेट से आपके पास सात डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट इस टाइम, ठीक है। एक है 1, एक है 2, एक है 3, एक है 4,
एक है 5, एक है 6, एक है 7, ठीक है, ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। स्टार्टिंग मुझे पता है अगर मैं इनमें से किसी का भी फाइंड पेरेंट अगर करने बैठ गया, स्टार्टिंग अगर मैं इनमें से किसी का भी फाइंड पेरेंट अगर करने बैठ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आंसर मेरा सेम ही आने वाला है कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, इसी प्रकार 4, 5, 6 और 7, क्योंकि हर किसी कॉम्पोनेंट को अगर देखें तो वो अपना खुद का ही पेरेंट बना बैठा है स्टार्टिंग के अंदर इनिशियली, राइट, ये बात हमें समझ में आती है। इसके बाद लेट से अगर मैं आपको बोलूं, इसके बाद लेट से अगर पहली कॉल जो आती है वो कहती है कि यूनियन कर दो 1, 2 का, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस पर्टिकुलर नोड का या इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ यूनियन करना है। इसको करने से पहले फटाफट आपको पहले यहां पर क्या करना पड़ेगा, फटाफट आपको पहले यहां पर एक रैंक का एरे बना लेना चाहिए फटाफट, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक रैंक का एरे बना लिया, आपने रैंक बना लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपने कहा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेट्स से मैंने इसमें एक और ऐड कर दिया 7, ठीक है। मतलब 0 वाला तो रहना था, मुझे इसको देखना नहीं है, मुझे बस 1 से लेकर 7 तक को देखना है। तो मतलब स्टार्टिंग में सबकी रैंक जो है, स्टार्टिंग में जो सबकी रैंक्स हैं वो है 0, स्टार्टिंग में सबकी रैंक जो है वो 0 कर रखी है मैंने, और स्टार्टिंग में सबके पेरेंट तो वो खुद ही हैं, राइट, ये बात मैं समझ में आती है, ठीक है। सो लेट्स से आपका यूनियन ऑफ 1, 2 कहा जाता है, तो इस केस में क्या करने वाले हैं, आपने बोला 1 ये रहा और 2 ये रहा, इन दोनों का यूनियन करना है, ठीक है, इन दोनों का यूनियन करना है, बहुत बढ़िया। तो आपने सबसे पहला टास्क जो करना है, सबसे पहला टास्क जो यूनियन का टाइम करना है, वो क्या करना है कि आपने 1 का पेरेंट निकाल के लाना है, 1 का जो पेरेंट है वो 1 ही है और 2 का जो पेरेंट है वो 2 ही है। फिर आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, इनकी रैंक देखनी है, इनकी रैंक देखनी है, 1 की रैंक कितनी है, 1 की रैंक जो है वो 0 है और 2 की रैंक कितनी है, 2 की रैंक जो है वो भी 0 है। अगर आपकी दोनों की रैंक सेम आ रही है, अगर आपकी दोनों की रैंक यानी इसकी और इसकी रैंक सेम आ रही है, तो इस केस में आप किसी को भी किसी के साथ अटैच कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, राइट, कोई रूल नहीं है इसके लिए। तो मैंने बोला ठीक है, लेट से मैंने 1 वाली नोड इस प्रकार रख ली और 2 को इससे अटैच कर दिया, और मैंने 2 को इससे अटैच कर दिया। तो इन शॉर्ट मैंने क्या कहा, इन शॉर्ट मैंने ये कहा कि यार पेरेंट जो 2 का है, पेरेंट ऑफ 2 जो है वो 1 हो गया, पेरेंट ऑफ 2 जो है वो 1 हो गया। इसके साथ साथ आपने क्या ध्यान रखना है, इसके साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने रैंक जो है, रैंक ऑफ 1 को इंक्रीमेंट कर दिया, रैंक को 1 को इंक्रीमेंट कर दिया कि यार ए 1 की रैंक पहले 0 थी, अब वो 1 हो चुकी है, अब वो 1 हो चुकी है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद लेट से मैं आया और मैंने कहा कि यूनियन कर दो 2, 3 को, ठीक है। तो जब मैं 2, 3 को देखने गया, 2 तो इस वाले कॉम्पोनेंट के अंदर है और 3 ये वाले कॉम्पोनेंट के अंदर है, ठीक है। सबसे पहले काम मैं क्या करता हूँ, मैं पेरेंट चेक करता हूँ कि यार 2 का पेरेंट निकालो फटाफट। 2 का पेरेंट जब देखने गए तो आपको क्या दिखा कि भैया 2 का पेरेंट तो 1 है, तो आपने लिख दिया 2 का पेरेंट तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। फिर आपने देखा 3 का पेरेंट निकालो, 3 का पेरेंट तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, 3 का पेरेंट जो है वो 3 खुद ही है, ठीक है, 3 खुद ही है। तो हमने 1 की रैंक निकाली जो कि 1 आ रही है, 1 की रैंक निकाली जो कि 1 है यहाँ पर देखा हमने, और 3 की रैंक निकाली जो कि 0 है यहाँ पर देखा हमने, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि रैंक ऑफ 3 जो है वो छोटी है रैंक ऑफ 1 से। तो इन शॉर्ट सिंपल आपको क्या कर देना है, पेरेंट ऑफ 3 को हम 1 सेट कर देंगे। इन शॉर्ट मैंने क्या किया, मैंने 3 की एक नोड इस प्रकार इसमें एड ऑन कर दी, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। लेट से इसके बाद में आया और मैंने बोला यूनियन ऑफ 4, 5, तो मैंने कहा 4, 5, तो मैंने सबसे पहले 4 का पेरेंट निकाला कि यार 4 का पेरेंट क्या होगा। तो 4 के लिए देखने गया, 4 के लिए तो भैया पेरेंट वो खुद ही है, ठीक है, तो 4 का आंसर 4 आ गया। 5 के लिए देखने गया, 5 का पेरेंट वो खुद ही है, ठीक है, 5 का आंसर भी 5 आ गया। अब मैंने की रैंक लिखने गया, इनकी रैंक कितनी है, मैंने देखा कि यार 4 की रैंक भी 0 है और मेरे 5 की रैंक भी 0 है, ठीक है, 0 आ गई, रैंक दोनों सेम है। जब रैंक दोनों सेम होती है तो आप किसी को भी किसी के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आपने बोला कि यार मैं इसको इस प्रकार कर रहा हूँ कि यार ये मेरा 4 हो गया और ये मेरा 5 आ गया। और इसके जब भी ऐसा करते हैं हम, तो हमें क्या करना होता है, हमने यहाँ पे देखा था कि रैंक को बढ़ाना होता है, तो मैंने अपने 4 की रैंक को इंक्रीमेंट करके 1 कर दिया। ये बात समझ में आ गई। हमने ये बेसिकली क्या किया, हमने ये बोला कि यार पेरेंट ऑफ 5 इज इक्वल टू 4, और फिर हमने क्या किया, रैंक ऑफ 4 प्लस प्लस। ये सेम वाले केस के अंदर मैं करता हूँ यार, ये सेम वाले केस में करता हूँ, सेम रैंक वाले केस के अंदर, ठीक है, ये करता आ रहा हूँ, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने बोला लेट्स से अगली कॉल आई मेरे पास जो कि कहती है यूनियन ऑफ 6, 7, ठीक है।
पहला काम सिक्स का पेरेंट निकाल कर आएंगे, सिक्स का पेरेंट निकालते हैं, सिक्स का पेरेंट वो खुद है, सेवन का पेरेंट वो खुद है, तो दोनों केस में आपका आंसर सेम आ गया, सिक्स का सिक्स और सेवन का सेवन। अगर आप दोनों की रैंक लिखने बैठेंगे, दोनों की रैंक क्या आ रही है, जीरो आ रही है, बहुत बढ़िया। तो सेम के रैंक के अंदर हम क्या करते हैं, सेम वही वाले दो स्टेप्स यार, हमने बोला पेरेंट ऑफ सेवन इज इक्वल टू सिक्स, और हमने क्या बोला कि यार रैंक ऑफ सिक्स प्लस प्लस, इन शॉर्ट ये किया कि सिक्स ये रहा और सेवन ऐसे अटैच कर दिया और सिक्स की रैंक को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद लेट्स से अगली कॉल मेरे पास आती है 5.6। मैं जब यहाँ पे गया मैंने बोला 5 का पेरेंट निकाल के लाओ, जब 5 का पेरेंट निकालना था तो मैंने क्या देखा, 5 का जो पेरेंट है वो 4 है। ठीक है, तो मैंने 5 का पेरेंट 4 लिख दिया, और मैं 6 में गया 6 का पेरेंट निकालने, तो मैंने क्या देखा 6 का पेरेंट जो है वो खुद ही है। ठीक है, 6 का पेरेंट वो खुद ही है, आप यहाँ पे स्टैंड करते हैं 6 का पेरेंट वो खुद ही है, तो 6 आ गया। अब इनकी रैंक लिख लेते हैं, रैंक लिख लेते हैं, मैंने बोला 4 की रैंक कितनी है, 4 की रैंक 1 है, 6 की रैंक कितनी है, 6 की रैंक भी 1 है, 1 एंड 1, तो मुझे क्या पता है दोनों की रैंक सेम है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यार पेरेंट ऑफ 6 इज इक्वल टू 4 और रैंक ऑफ 4 प्लस प्लस, इन शॉर्ट मैंने क्या किया, मैंने इन शॉर्ट इस प्रकार इसको ऐड कर दिया कि पेरेंट ऑफ 6 इज 4, तो मैंने बेसिकली इस प्रकार ऐसे 6 लगा दिया, और 6 के नीचे तो यहाँ पे 7 था ही। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हट गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, और साथ ही साथ मैंने क्या बोला कि इस रैंक को अपडेट कर दो, तो आपने 4 की रैंक को अपडेट करके 2 कर दिया। ठीक है, ये वाला काम भी हो गया। अब लेट से अगला जो टास्क मेरे पास आता है वो आता है यूनियन ऑफ 3.7, यहाँ पे मजा आएगा। तो मैंने सबसे पहला टास्क क्या किया, 3 का पेरेंट निकाल के लाते हैं, 3 का पेरेंट जब मैं निकालने गया 3 का पेरेंट क्या आया, 3 का पेरेंट 1 आ गया, बहुत बढ़िया, 3 का पेरेंट 1 आ गया। फिर जब मैं 7 का पेरेंट निकालने गया, मैंने क्या देखा, 7 का जो पेरेंट है, 7 का पेरेंट पहले आपका आ रहा है, तो 7 से पहले आप 6 जाएंगे और फिर 6 से आप 4 जाएंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट मेरा आंसर क्या आ रहा है, इन शॉर्ट मेरा आंसर क्या आ रहा है, इन शॉर्ट मेरा आंसर 4 आ रहा है, इन शॉर्ट मेरा आंसर 4 आ रहा है। मैंने इनकी रैंक लिख दी, रैंक ऑफ 1 क्या है, रैंक ऑफ 1 क्या है 1, और 4 क्या है 2, कैसे पता लगा, यहाँ से देखो 1 की 1 है और 4 की 2 है। जब भी इस प्रकार रैंक छोटी होती है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि यार रैंक ऑफ 1 इज लेस देन रैंक ऑफ 2। जब ये कंडीशन होती है लेस देन वाली, तब हमें क्या करना होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि रैंक ऑफ 1, ये वाला 1 इज लेस देन रैंक ऑफ 4, ये वाला 4। जब इस प्रकार लेस देन होती है तो मुझे क्या करना होता है, मैंने बोला पेरेंट ऑफ 3 इज 1 यहाँ पे, तो उसी प्रकार सेम यहाँ पे कि पेरेंट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो कि आपने ये पूरा का पूरा आंसर हटा दिया 1, 3, 2 और ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया कि ये रहा 1 और 3 और 2 यहाँ पे ऐसे लग गए। इस प्रकार आपने ये ट्री बना दिया। एक चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे हमने यहाँ पे इस वाली कॉल के अंदर देखा ना, 7 के लिए पेरेंट 4 आ रहा है, 7 के लिए आप यहाँ गए फिर आप यहाँ गए, दोबारा दिखाता हूँ, 7 के पहले आप यहाँ गए फिर आप यहाँ गए। लेट्स से एक और नोड होती, जहाँ पे 8 लगी पड़ी होती, राइट, और फिर आपसे फिर दोबारा पूछा जाता, बार बार पूछा जाता कि चलो मुझे बताओ 8 का पेरेंट क्या है, आप फिर दोबारा ऊपर जाते, फिर दोबारा ऊपर जाते, तो आपका टाइम यहाँ पर ज्यादा कंज्यूम हो रहा होता। तो यहाँ पर आपका पाथ कंप्रेशन वाला लॉजिक आता है कि जैसे ही आपने इस वाली कॉल में एक्सप्लोर कर लिया था कि 7 का पेरेंट 4 है, तो क्या करो, ये जो आप इतनी दूरी से जा रहे हो ना यार कि पहले ऐसे जाऊंगा फिर ऐसे जाऊंगा, इसको यहाँ से ऐसे हटा दो और 7 को सीधा सीधा ऐसे लगा दो, तो आपका पाथ कंप्रेशन हो गया। पहले जो आपको 7 से 6 एंड देन 4 पहुंच रहे थे, अब आपको फिर दोबारा अगर कोई आके पूछेगा 7 का पेरेंट कौन है, तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि 7 का पेरेंट जो है वो 4 है। इसको मैं पाथ कंप्रेशन वाला लॉजिक कह देता हूं, राइट, ये बात समझ में आती है, तो इससे मेरा फायदा हो जाता है। ठीक है, इससे मेरा फायदा हो जाता है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये चीज हमें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ये वाली चीज भैया क्यों की थी, वाई, मैंने बोला यार जब किसी की रैंक लेस देन होती है तो मैं उसको इस प्रकार एड ऑन कर देता हूँ कि यार जिसकी भी रैंक कम है उसको मैं ज्यादा रैंक वाले के नीचे ले जाता हूँ। ऐसा क्यों? मैंने बोला ध्यान से सोचो, जिसकी भी रैंक कम होगी वो शॉर्ट ट्री होगा, और जिसकी रैंक ज्यादा होगी वो एक बिगर ट्री होगा। तो अगर मैं बिगर ट्री में एक शॉर्ट ट्री लगाता हूँ तो फिर भी आपकी डेप्थ कम होगी, बट एक शॉर्ट ट्री में एक बिगर ट्री लगाता हूँ तो आपकी डेप्थ इंक्रीज कर सकती है। बात समझ में आ रही है?
बात समझ में आ रही है तो ध्यान समझते हैं। जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा कि हमारे पास यहाँ पर क्या था लास्ट एग्जाम्पल के अंदर, कि हमारे पास एक बिग ट्री था, हमारे पास एक बिग ट्री था 4, 6, 7 और 5 और यहाँ पर एक शॉर्ट ट्री था 1, 2 और 3। अगर मैं इस बिग ट्री के अंदर इस शॉर्ट ट्री को लगाता हूँ तो मेरी डेप्थ अभी वही यार, देखो खास डेप्थ बड़ी नहीं, दो एरी, एक एरी। बट अगर मैं इसका उल्टा कर देता और 1 के नीचे एक लॉन्ग ट्री लगा देता तो ध्यान से देखो मेरी डेप्थ जो है वो कितनी बढ़ जाती है, तुम्हारे सामने है राइट, 1, 2, 3, 4। तो जब भी ऐसे दो अलग अलग ट्रीज को अपने को आपस में यूनियन करना होता है, हम मेक श्योर करते हैं कि शॉर्ट ट्री को, एक शॉर्टर ट्री को एक लॉन्ग ट्री में हमेशा मर्ज किया जाए राइट। तो ये कहानी थी, दैट्स वाई जब भी हम रैंक लेस देन होती है तो जिसकी भी रैंक कम है उसके पेरेंट को हम अपडेट कर देते हैं। तो हर चीज का वाई का आंसर हमें पता होना चाहिए ठीक है। दोबारा एक बार शुरू से देख लेते हैं क्या क्या हुआ। हमने बोला कि ठीक है डिसजॉइंट सेट क्या होता है, एक प्रकार डेटा स्ट्रक्चर है ठीक है, जिसके द्वारा हम क्रिस्कल्स एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करेंगे, साइकिल डिटेक्ट कर सकते हैं हम चाहे तो, कोई दो रैंडम नोड्स अगर सेम कंपोनेंट में है या नहीं वेरीफाई करना तो इसके द्वारा हम कर सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हमने यहाँ पे देखे, फाइंड पेरेंट वाला जो कि नोड का पेरेंट हमें पता रहता है, एक यूनियन वाला जो हमें कंपोनेंट्स का यूनियन करके दे सकता है ठीक है। तो हमने कहा लेट्स से हमारे पास ये 5 नोड है तो उसका यूनियन करना हमने सीख लिया। उसका हमने एक एग्जांपल देखा जहाँ पे यूनियन बाय रैंक एंड पाथ कंप्रेशन वाला लॉजिक हम समझना चाहते हैं। तो हमने कहा लेट्स से हमारे पास ये 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और लेट्स से पहला जो मेरे पास कॉल आती है वो कहती है यूनियन करो 1.2 को। जब मैं 1.2 को यूनियन करने गया उससे पहले स्टार्टिंग मैंने इसकी रैंक इनिशियलाइज करी थी सबकी 0 से, तो मैंने क्या बोला ठीक है 1 का पेरेंट निकाल के लाओ, 1 का पेरेंट निकल गया, मतलब 2 का पेरेंट निकाल के लाओ, 2 का पेरेंट निकल गया, इनकी दोनों की रैंक लिख दो 1 की और 2 की रैंक लिख दो, दोनों की 0 है। जब रैंक सेम होती है तब मैं क्या करता हूँ किसी भी नोड को किसी का भी पेरेंट बना सकता हूँ, बट मेक श्योर जो भी आपका राइट साइड पे है उसकी रैंक आप इंक्रीमेंट कर दें। जो भी आपने पेरेंट बनाया है उसकी रैंक को इंक्रीमेंट कर दे, रैंक को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया राइट। और उस प्रकार से मैं इन दोनों को मर्ज करता चला गया। आगे का प्रोसेस आपने पूरा देखा था यार ठीक है। पाथ कंप्रेशन आपने देखा कि जैसे 7 से 6 से 4 तक मैं पहुंचा तो मैंने मेक श्योर कर लिया कि यार इतना पाथ जब कवर कर ही लिया है तो ऐसे करो 7 को यहाँ से हटाओ और सीधा सामने लगा दो, ताकि अगली बार कोई 7 के बारे में पूछे कि 7 का पेरेंट कौन है तो उसको झट से दे दूँ, मैं टाइम में लगाऊँ दोबारा ट्रैवल करने में ऊपर के ढूंढ के लाता हूँ या ढूंढ के आता हूँ, नहीं फटाफट से दे दूँ राइट। तो पाथ कंप्रेशन वाला लॉजिक भी हमने सीख लिया है। अगर मुझे आपको यहाँ पे ये समझाना हो तो कहानी बहुत सिंपल है। मैंने बोला कि अभी चलो ये तो अलग क्वेश्चन है, आपको समझाएंगे किस प्रकार सॉल्व करना है, बट ठीक है यहाँ पे यूज तो करने ही वाले हैं। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक पेरेंट का एक एरे होना चाहिए, तो मतलब पेरेंट का एरे चाहिए, चलो ठीक है पेरेंट का एरे बना लिया। फिर मैंने कहा मेरे को एक रैंक का एरे भी तो चाहिए, रैंक का एरे बना लिया। फिर मैंने क्या कहा कि मेक सेट, इनको इनिशियलाइज कर दो पेरेंट को और रैंक को ठीक है। तो फटाफट से इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ, void make set, मैंने कहा वेक्टर इंट एंड पेरेंट, मैंने कहा वेक्टर इंट एंड रैंक और साथ में एन बी पास कर देना। मैंने कहा कि एक फोर लूप चलाओ फॉर int i इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस। क्या करना होता है, मैंने कहा हर किसी का जो पेरेंट है वो स्टार्टिंग में अपने आप के ही इक्वल है, पेरेंट ऑफ i इक्वल टू i जो हमने देखा था यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमने चीज कवर की थी राइट। इसके बाद मैंने क्या बोला अगली चीज, हर किसी की रैंक जो है वो स्टार्टिंग में 0 के इक्वल है ठीक है। ये हमने इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया राइट। उसके मैंने क्या बोला कि यार आपके पास एक फाइंड सेट या फिर फाइंड पेरेंट वाला ऑपरेशन भी होगा, जहाँ पे आपके पास एक तो पेरेंट वाला एरे इनपुट में आएगा और एक नोड इनपुट में आएगी कि इसका पेरेंट निकाल के दे दो। मैंने कहा बहुत सिंपल है। मैंने कहा कि इफ पेरेंट नोड इज इक्वल टू नोड ओके, तो यानी कि आप फाइनल पेरेंट तक, उस हायरार्की में फाइनल पेरेंट तक पहुंच चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाली गेम थी, लेट्स से 3 का पेरेंट पूछा था तो आप 1 पे जाते और 1 का पेरेंट तो वापस 1 है, तो यानी आपको यहाँ पर रुक जाना है। या फिर लेट्स से यहाँ पर जब 7 था तो आप 7 से 6 तक गए थे, फिर आप 6 से 4 तक गए थे, फिर 4 में आप वापस इवॉल्व कर कहीं पर आ गए थे तो आपको पता लग गया था मुझे यहाँ पर रुक जाना है। तो वही सेम कंडीशन हमने यहाँ पर लगाई है कि जब पेरेंट ऑफ नोड इक्वल टू नोड हो जाए तो आपको रुक जाना है और आपको रिटर्न कर देना जो भी आपकी नोड है। बहुत बढ़िया। सेकंड मतलब आप रिकर्सिवली संभाल लेंगे, रिटर्न कर दो भैया, फाइंड पेरेंट वाला फंक्शन रिकर्सिवली कॉल कर दिया, यहाँ पे आपने पेरेंट पास कर दिया कॉमा पेरेंट नोड,
सो इसके द्वारा हर आरके में ऊपर जा रहे हैं कि पहले अगर आप सेवन पे स्टैंड करें तो सिक्स तक गए, फिर सिक्स पे स्टैंड करें तो फोर तक गए, अगर गोल नोड ऊपर होती तो वहां तक जाते जब तक आपका पेरेंट आप स्वयं खुद नहीं है तब तक ये रिकर्सिव कॉल जाती रहती। अब इसमें जो मैंने पाथ कंप्रेशन वाली चीज आपको बताई थी कि लेट से आपने सेवन का पेरेंट सिक्स, सिक्स का पेरेंट फोर, इस प्रकार से फोर निकाल लिया था, तो अगली बार जो आपसे पूछा है दोबारा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, दोबारा टाइम ना लगाना पड़े, तो आपने क्या किया था सेवन को यहाँ से हटा के डायरेक्टली इस पर कनेक्ट कर दिया था। ये किस प्रकार करना है, मैंने बोला बहुत सिंपल है, यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको कुछ नहीं करना, पेरेंट ऑफ नोड इज इक्वल्स टू खत्म। इस प्रकार आपने इसको सॉल्व कर दिया है, यहाँ फाइंड पेरेंट हमें इन टाइप का करना, ठीक है। तो आपने पाथ कंप्रेशन वाला लॉजिक भी इस प्रकार यहाँ पर लिख दिया है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा यूनियन वाली चीज भी आपको चाहिए यार, मैंने बोला यूनियन वाली चीज भी आपको चाहिए यार, वॉइड यूनियन सेट करके यहाँ पे आपने क्या भेजा, यहाँ पे बहुत सिंपल है यार, एक तो आपने एज भेजी होगी इंट यू इंट वी सॉरी एक तो आपने नोड भेजी होगी इंट यू, फिर एक वी भेजी होगी, और आपने यूनियन करना है तो आपने पेरेंट भी भेजा होगा, वेक्टर इंट एंड पेरेंट, और क्या क्या होगा और चेक कर लेते हैं, करते करते पता लग जाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि यार मुझे तो पहले पेरेंट निकाल के दो, यूनियन करने से पहले पेरेंट निकालते ना, कि पेरेंट निकाल के दो यार, कि यार फाइंड पेरेंट किसका, मैंने बोला फाइंड पेरेंट करके दो मुझे, किसका पेरेंट निकाल के दोगे, मैंने बोला पेरेंट निकालने के लिए पेरेंट एरे चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ वो नोड चाहिए, ठीक है, इसका पेरेंट निकाल के दिया। फिर वी का मैंने पेरेंट बोला कि वी का पेरेंट निकाल के दो, मैंने बोला फाइंड पेरेंट, यहाँ पे आपको पेरेंट एरे पास करना पड़ेगा, और वी, बहुत बढ़िया, आप दोनों के पेरेंट आ चुके हैं, अब दोनों के पेरेंट आने के बाद हमें पता है इनकी रैंक्स को कंपेयर करना होता है, कि अगर रैंक ऑफ यू इज लेस देन रैंक ऑफ वी है तो इस केस हम क्या करते थे, लेस वाले का हम पेरेंट चेंज करते थे, राइट, जिसका भी लेस रैंक है, जिसकी भी रैंक जो है वो कम है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि रैंक ऑफ थ्री जो है वो कम थी, तो उसका पेरेंट चेंज करते थे, हम बोलते थे पेरेंट ऑफ यू इज इक्वल्स टू वी, या फिर अगर हम बोले इसका उल्टा अगर होता कि रैंक ऑफ वी इज लेस देन रैंक ऑफ यू, तो इस केस में क्या करता है, मैंने बोला सेम उल्टा कर देता, पेरेंट ऑफ वी इज इक्वल्स टू यू, और मैंने कहा कि यार इसके अलावा अगर एक केस बचता है वो कौन सा है, जब दोनों की रैंक इक्वल होगी, तो मुझे पता है किसी को भी किसी कॉरस्पॉन्डिंग में पेरेंट बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि जिसको भी पेरेंट बना रहे हो, जैसे यहाँ पे यू को पेरेंट बना रहे हो, तो उसकी रैंक को अपडेट कर देना, तो उन्होंने बोला रैंक ऑफ यू को इंक्रीमेंट कर देना दोस्त, ठीक है। तो इस प्रकार आपने यूनियन कर लिया, यूनियन में ध्यान से हम क्या करते थे, यूनियन में जब भी जाते थे सबसे पहला काम पेरेंट निकाल के लाओ, दोनों के पेरेंट निकल गए, ठीक है, लाइन नंबर 17 और 18 पेरेंट निकाल रही है, दोनों के पेरेंट निकल गए, अब दोनों के रैंक निकाल के लाओ, रैंक तो हम इस प्रकार निकाल लेंगे, रैंक ऐसे लिख लिख के, ठीक है, उनको कंपेयर करा लो, या तो कोई एक छोटी होगी, या तो कोई एक बड़ी होगी, या तो वो इक्वल होगी, तीनों केस हमने यहाँ पे हैंडल कर लिए। तो ये आपका यूनियन सेट वाली फंक्शनैलिटी भी आपने लिख ली है, तो आपको यूनियन करना भी आ चुका है, और स्टार्टिंग में जो फाइंड पेरेंट वाली फंक्शनैलिटी वो भी आपने कर ली है, और जो पाथ कंप्रेशन आपको सिखाया वो भी आपने सीख लिया, तो इस प्रकार आपने ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट पकड़ लिए हैं, बहुत बढ़िया। तो डिसजॉइंट सेट तो आपको समझ में आ गया, अब थोड़ा सा आपको क्रिस्कल्स एल्गोरिथम के बारे में मुझे बताना है, उसके लिए फटाफट से छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, और उस एग्जाम्पल पर चीजें आपको रन करके दिखाएंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो फटाफट पुराने वाला एग्जाम्पल एक उठा लेते हैं, हमने आपको कहा कि लेट्स से ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपकी नजरों के सामने है, और हम बात करने वाले हैं क्रिस्कल्स एल्गोरिथम के बारे में, उसको जानने से पहले फटाफट अगर लास्ट वाले एग्जाम्पल में जाके आपको देखूं, और लेट्स से मैंने अगर आपसे पूछा होता कि कोई दो नोड्स हैं और आपको पता लगाना है कि वो सेम कंपोनेंट में लाई करती है नहीं करती, तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान समझ में आ गई कि लेट्स से यहाँ पर ये दो अलग अलग कंपोनेंट होते कि भैया एक कंपोनेंट है 1, 2 और 3 ऐसा वाला, और एक कंपोनेंट है 4, 5, 6 और 7। अगर मुझे कोई बोलता कि चेक करो 3 और 7 सेम कंपोनेंट में लाई करते हैं या नहीं करते, सिंपल है, 3 का पेरेंट आता 1, 7 का पेरेंट आता 4, क्या दोनों पेरेंट सेम है, मैंने बोला नहीं, तो यानी ये डिफरेंट कंपोनेंट है। या फिर मुझसे अगर पूछता कि चेक करो 7 और 6 सेम कंपोनेंट लाई करते हैं, तो मैं बोलता 7 का पेरेंट निकाल लो, 7 का पेरेंट क्या आ गया, 7 का पेरेंट 4 आ गया, 6 का पेरेंट क्या आ गया, 6 का पेरेंट भी 4 आ गया,
क्या दोनों पेरेंट सेम है? मैंने बोला हाँ दोनों पेरेंट सेम है, तो यानी ये सेम कॉम्पोनेंट में लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपका सेम कॉम्पोनेंट लाई करते हैं नहीं करते वाला लॉजिक क्लियर हो गया, ये यूज करेंगे अभी हम यूज करेंगे। तो मैंने बोला क्रिस्कल्स एकदम करनी है। पहली चीज यहाँ पर कि यहाँ पे हम एडजेसेंसी लिस्ट के एडजेसेंसी लिस्ट वाली रिप्रेजेंटेशन की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे हमें किस चीज की नीड है? यहाँ पे हमें एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की नीड है। यहाँ पर हमें एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की नीड है। अरे ले लो यार वेक्टर ले लो जो आपको मन करे वो ले लो, ठीक है। उस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या स्टोर कराओगे? उस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप आपकी यू वी और वेट, आपकी एक एज जो बनती है यू से वी के बीच में, वो दोनों डेटा वैल्यूज एंड उनके बीच का जो वेट है वो वाली वैल्यू आपको स्टोर करानी पड़ेगी और सॉर्ट करनी पड़ेगी ठीक है। तो आपको ये तीन वैल्यूज बेसिकली स्टोर करानी है। पहली है आपका वेट, दूसरा है आपका यू और तीसरा है आपका वी। तो वेट के बेसिस पर आपको इस पूरी की पूरी लिस्ट को सॉर्ट कराना पड़ेगा। लेट्स से मैं यहाँ पर सारे की सारी एजेस लिख देता हूँ। तो मैंने क्या कहा? मैंने बोला आपकी एक एज है जो कि 1-2 के बीच में है जिसका वेट 2 है, ठीक है, मैंने ये वाली कवर कर ली। फिर मतलब 1-4 के बीच में भी है उसका वेट 1 है, ये भी कवर कर ली। फिर मैंने बोला 1-5 के बीच में भी है उसका वेट 4 है, ये भी कवर कर ली। मैंने बोला 4-5 के बीच में भी है उसका वेट 9 है, ये भी कवर कर ली। मैंने बोला 4-3 के बीच में भी है उसका वेट 5 है, ये भी कवर हो गई। मैंने बोला 2-4 के बीच में भी उसका वेट 3 है और 2-3 के बीच में भी उसका वेट भी 3 है, तो ये भी कवर हो गई, ये भी कवर हो गई। मैंने बोला 2-6 के बीच में है वेट 7, और ये आपका 3-6 के बीच में भी है वेट 8, तो ये भी कवर हो गई, ये भी कवर हो गई। इन शॉर्ट हमने सारी की सारी एजेस कवर कर ली। फटाफट इनको सॉर्ट कर लेते हैं। तो जो सॉर्टेड लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार नजर आने वाली है आपको। वेट्स क्या होंगे? मैंने बोला सबसे कम वेट किसका है, सबसे कम वेट इसका है, तो ये हो गया 1। यू वी में जैसे आपको मन करे वैसे आप ले सकते हैं, है ना, कोई भी आगे पीछे रख रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैंने बोला चलो ये वाला पार्ट तो डन कर लिया, अब इसके अलावा 1 के बाद ये 2, ये आपने बोला 2 है जी 1-2 के बीच में, ठीक है, ये भी डन हो गया। इसके बाद आपका 3 में आपका ये और ये है, आपने बोला कि 3-2-3 है और 3-2-4 भी है, ठीक है, ये वाली भी दोनों डन हो गई। फिर आप आए 4 पे, आपने बोला 4 है 1-5 के बीच में, ये भी डन हो गई। फिर आप आए 5 में, 5 में आपने बोला 3-4 के बीच में है, ये भी हो गया। फिर आप आए 7 पे, 2-6 के बीच में, 7 आई 2-6 के बीच में, ये भी हो गया। फिर आपने बोला 3-6 के बीच में, सॉरी आपने बोला वेट है 8 और 3-6 के बीच में, ये भी डन हो गई। आपने बोला वेट 9 4-5 के बीच में, वेट 9 4-5 के बीच में, ये भी हो गया। तो इस प्रकार मैंने इस पूरी एज लिस्ट को सॉर्ट करके आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। मुझे ग्रिडली जो सबसे छोटा वेट वाली रिकॉर्ड है, मतलब बेसिकली ऊपर से नीचे आती तरफ यहाँ से मुझे रिकॉर्ड एक उठाते जानी है और उसके आधार पर प्रोसेसिंग करता जाऊंगा, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास स्टार्टिंग में क्या आया है, 1,1,4 आया है, ये मेरा वेट होता है, ये मेरा यू होता है, ये मेरा वी होता है। तो मैंने चेक किया क्या वन और फोर सेम कॉम्पोनेंट से बिलोंग करते हैं या डिफरेंट कॉम्पोनेंट से बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने डिस्जॉइंट सेट में भी देखा, स्टार्टिंग में सारी की सारी नोड जो वो डिफरेंट कॉम्पोनेंट होंगे, 1 इस प्रकार, 2 इस प्रकार, 3 इस प्रकार, सब डिफरेंट होंगे और अपने आप को ही अपना पेरेंट स्टार्टिंग में मानकर बैठे होंगे, इस प्रकार सब कुछ चल रहा होगा। बात समझ आई? ऐसे सब स्टार्टिंग अपने आप को पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो रूल ये कहता है कि अगर आपके पास यू और वी यहां से आ गई, ठीक है, आपके पास यहाँ यू 1 है और वी यहाँ पर 4 आया, सबसे पहला काम जो आपको यहाँ पर करना है, 1 का पेरेंट निकाल लो। स्टार्टिंग में तो खैर 1 का पेरेंट 1 खुद ही होगा, और 4 का पेरेंट निकाल लो, इसके से भी 4 का पेरेंट स्टार्टिंग में खुद ही है 4। अगर ये पेरेंट डिफरेंट आ जाते हैं तो मुझे क्या करना है, मुझे इनको आपस में मर्ज करना है या यूनियन करना है, बात समझ आई। या फिर अगर ये दोनों पेरेंट सेम आ जाते हैं तो मुझे कुछ भी नहीं करना, इसको इग्नोर कर देना। इस केस के अंदर 1 और 4 का पेरेंट अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो मुझे इनको मर्ज करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने बोला इनको मर्ज कर दिया, ये आपकी एक कनेक्शन बिल्डअप हो गया, राइट। इसके बाद मैं गया अगले रिकॉर्ड पे जो कि है 2,1,2, ठीक है। तो मैंने 1 लिखा और मैंने 2 लिखा, ठीक है। तो मैंने बोला क्या 1 और 2 सेम कॉम्पोनेंट से बिलोंग करते हैं? मैंने बोला नहीं जी, अलग अलग कॉम्पोनेंट से बिलोंग करते हैं, इस कॉम्पोनेंट सिर्फ 1 और 4 है और 2 तो अलग है, तो इनको मुझे मर्ज करना पड़ेगा। तो मैंने इनको मर्ज कर दिया, ये इस प्रकार मैंने 2 को मर्ज कर दिया, बहुत बढ़िया। अगली रिकॉर्ड क्या है, 3,2,3। आपने पूछा क्या 2 और 3 सेम कॉम्पोनेंट बिलोंग करते हैं? मैंने कहा नहीं, इस कॉम्पोनेंट में तो सिर्फ 1, 2 और 4 है और 3 तो अलग है, तो
तो फिर मर्ज करना पड़ेगा यार, तो फिर मर्ज करना पड़ेगा। तो मैंने 3 को यहाँ से मर्ज कर दिया जी, मैंने इसको मर्ज कर दिया, ठीक है ये मर्ज हो गया। इसके बाद मैंने बोला 3, 2, 4, तो मैंने बोला 2 और 4 को चेक करना क्या सेम कॉम्पोनेंट से बिलोंग करते हैं, जवाब है हाँ 2 और 4 सेम कॉम्पोनेंट में, उसको मुझे इग्नोर करना है, ठीक है। फिर आया 4, 1, 5, तो मैंने बोला 1 और 5 चेक करना, 1 तो इस कॉम्पोनेंट में बट 5 नहीं है, तो यानी डिफरेंट कॉम्पोनेंट, तो मुझे इनको मर्ज करना पड़ेगा, तो मैंने इसको मर्ज कर दिया, क्या है 4, 1, 5, तो ये रहा आपका 5 और ये रहा इसके बीच का डिस्टेंस 4। फिर आया 5, 3, 4, आपने 3 और 4 को चेक किया, देखो 3 भी यहाँ पे ही है और 4 भी यहीं पे ही है, तो इन शॉर्ट सेम कॉम्पोनेंट बिलोंग करते हैं, इसको इग्नोर कर दिया। फिर आया 7, 2, 6, 2 और 6 को चेक करने आप गए हो, 2 तो ये रहा बट 6 जो है वो डिफरेंट कॉम्पोनेंट के अंदर पड़ा हुआ है, राइट, इस कॉम्पोनेंट के अंदर नहीं है, तो आपने इसको ऐड कर दिया, 2 और 6 को ऐड कर दिया और यहाँ पर डिस्टेंस इनके बीच का कितना है 7 है, ठीक है। फिर आपने चेक किया 8, 3, 6 यानी 3 और 6 ध्यान से देखो इसी कॉम्पोनेंट के अंदर है, इग्नोर कर दिया। 4 और 5 4 ये रहा 5 ये रहा सेम कॉम्पोनेंट में, इसको भी इग्नोर कर दिया। एक छोटी सी गलती हमने यहाँ पर करी है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिर्फ 6 नोड थी, यहाँ फालतू तो मैंने 3 नोड आपको एक्स्ट्रा दिखा दी या नहीं दिखानी चाहिए थी, ठीक है, ये छोटी सी गलती थी हमारी। तो एट द एंड मैं आपको कह सकता हूँ कि ये आपने एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना लिया है। वेरीफाई कर लेते हैं इसको, क्या ये सही आंसर है? मैंने बोला जी हाँ यही सही आंसर है। इस प्रकार आपने एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर लिया। तो अगर आपको आज के टाइम पे कोई बोले कि प्रिम्स एल्गोरिथम का यूज करके मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करो, आप बोलोगे हो जाएगा। आपको कोई बोले क्रिस्कल्स एल्गोरिथम का यूज करके मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करो, आप बोलोगे हो जाएगा, ठीक है। और डिफरेंट कॉम्पोनेंट में है, सेम कॉम्पोनेंट में है कोई दो नोड्स, वो तो आप डिसजॉइंट सेट के द्वारा बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई एल्गोरिथम किस प्रकार चीजें करनी है। आप फटाफट आते हैं कोड के ऊपर, फटाफट कोड के ऊपर आते हैं, वो कहानी भी समझ लेते हैं। मैंने कहा कि चलो इतना कोड तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, यूनियन कैसे करना होता है, पेरेंट कैसे फाइंड आउट करना है, मेक सेट क्या होता है, ये सब देख लिया है। हमें क्या करना है, इंट टोटल वेट जो मैंने स्पैनिंग ट्री का बनेगा वो मुझे रिटर्न करना है, ठीक है, ये बात समझ में आती है। मेरे को इनपुट के अंदर कुछ एजेस दी हुई है, मैं इसको फटाफट एक बार थोड़ा सा साफ सुथरा करता हूँ। हाँ, मुझे इनपुट में कुछ एजेस दी हुई है और ठीक है, उनका वेट भी साथ में दे रखा है, बहुत बढ़िया। और ये मेरे टोटल नंबर ऑफ नोड्स है, ठीक है। मुझे यहाँ पे एडजेसेंस लिस्ट तो नहीं बनानी होती, मुझे यहाँ पे एक वेक्टर बनाना पड़ता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तो मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको कहा कि यार ऐसा करो सॉर्ट कर दो, सबसे पहले तो इस वेक्टर को, इस एजेस वाले वेक्टर को सॉर्ट कर दो, बिगिन एंड कॉमा, अपना खुद का कंपैरेटर लिख दिया आपने। सॉर्ट तो आपको वेट के हिसाब से करना था ना, तो अपना खुद का कंपैरेटर लिख दिया फटाफट, बूल सी एम पी, यहाँ पे आपका एक तो वेक्टर इंट एंड ए वेक्टर इंट एंड बी, आपने कहा रिटर्न, जो आपका वेट है, वेट आपका थर्ड कॉलम में है यानी सेकंड इंडेक्स, सेम आपने बी के साथ कर दिया, ठीक है। तो आपने अपना खुद का कंपैरेटर लिख दिया जहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट के हिसाब से आपकी चीजें सॉर्ट हो जाएगी, तो आपने इसको सॉर्ट कर दिया, इसके लिए आपने यहाँ पे वो इंक्लूड कर लिया एल्गोरिथम को, ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। इसके बाद आपने क्या किया, आपने ये कुछ कुछ चीजें इनिशियलाइज कर दी मेक सेट वाले फंक्शन का प्रयोग करके, और आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, आपने कहा कि यार मैं क्या करूंगा, मैं 1 by 1 इस एजेस वाली सॉर्टेड लिस्ट के ऊपर इटरेट करूंगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन एजेस डॉट साइज, ठीक है, इटरेट करूंगा और इटरेट करते करते बट आई हैव टू डू इज, सबसे पहले मुझे चेक करना है कि यार तो यहाँ मैंने कहा कि जो भी मेरी जो दो नोट्स आ रही हैं, जो भी रिकॉर्ड के अंदर मेरी नोट्स आ रही हैं, लेट्स से यू जो है वो आई मेरी फाइंड पेरेंट, मैं क्या करता हूँ दोनों नोट्स के लिए पेरेंट फाइंड आउट करता हूँ ना, उन दोनों नोट के लिए पेरेंट फाइंड आउट करता हूँ। आपने यहाँ पर देखा था जैसे ऊपर हम चेक कर रहे थे, कोई भी नोट अगर आती तो पहले मैं उसको पेरेंट फाइंड आउट करता हूँ, फिर मैं उसकी रैंक निकालता हूँ, ऐसा कुछ कुछ था। तो मैंने पेरेंट फाइंड आउट करो, पेरेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने यहाँ पर सेंड कर दिया, ठीक है, पेरेंट निकल के आ गया जी, यहाँ पर पेरेंट निकल के आ जाएगा आपके आई और ये आ गया 0। उसी प्रकार आपका int v is equals to find parent, यहाँ पे parent from edges of i comma 1, ठीक है। जो भी आपके दो नोट्स निकल के आई है फटाफट चेक करो क्या ये सेम है या नहीं, ठीक है। अगर सेम है तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, अगर डिफरेंट है तो मैं यूनियन करता हूँ, यही पढ़ा हमने। तो बोला अगर डिफरेंट है, u नॉट इक्वल टू v है, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं यूनियन कर देता हूँ, तो मैं यूनियन कर देता हूँ, तो मैंने यूनियन सेट
यूनियन सेट कर देता हूँ, यहाँ पे यू पास करता हूँ, वी पास करता हूँ और पेरेंट पास करता हूँ, ऐसे कुछ कुछ था, ठीक है। एक चीज बोल रहे हैं हम, हमें जो आंसर क्रिएट करना है, तो मैंने क्या बोला कि इंट टोटल, या मैंने कहा इंट मिनिमम वेट, स्टार्टिंग में तो ये जीरो पड़ा हुआ जी, ठीक है। अब जब भी आपको दिख रहा है कि अब दो चीजें मर्ज कर रहा हूं, तो यहाँ पे उस वेट को आपने एड ऑन कर दिया कि मिन वेट प्लस इज इक्वल्स टू जो भी आपका वेट था। अब वेट कैसे निकलता है, मैंने बोला सिंपल है, यहाँ से निकालो ना यार, ऐसे करके आपने लिख दिया इंट वेट इज इक्वल्स टू एजेस ऑफ आई, और आपने टू लिख दिया और आपने वेट को यहाँ प्लस कर लिया। चलो ये भी हो गया, तो इस प्रकार आपने इसको कर दिया। और मैं कहता हूँ कि इसको यहाँ से रिटर्न कर दो मिन वेट को, ठीक है। एक बार इसको रन करने की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहीं पर कुछ छोटी मोटी गलती है या चल जाएगा, चेक करते हैं। लाइन नंबर 24 पर कुछ गड़बड़ी है, लाइन नंबर 24 पर कुछ गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है दोस्त? मिसिंग टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट। अच्छा, आपने रैंक वाला वेक्टर यूज कर लिया बट पास नहीं किया, ठीक है, इसको पास करना पड़ेगा। रन कर दो, करेक्ट आंसर सबमिट कर दो, सबमिट कर दो फटाफट। ओके, करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और हम स्पेशलिस्ट बन चुके हैं, क्या बात। तो हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, दोबारा चेक कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सॉर्ट कर लिया हमारे वेक्टर को, जहां पर यू वी और वेट तीनों चीजें एक रिकॉर्ड में पड़ी हुई है, जैसे कि हमने यहाँ पर भी एक देखा था यहाँ पर इस प्रकार। तो हमने क्या कहा, इसको सॉर्ट कर लो, और इसको सॉर्ट किस प्रकार करोगे, किस आधार पर, आप वेट के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर लो। सॉर्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको डिसजॉइंट सेट वाली फंक्शनैलिटी चाहिए, तो आपको पेरेंट एरे बनाना पड़ेगा, आपको रैंक वाले एरे बनाना पड़ेगा, और इनको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। पेरेंट को आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जैसे नोड 1 के लिए 1 से, नोड 2 के लिए 2 से, नोड 3 के लिए 3 से, नोड 4 को 4 से, यानी हर नोड अपनी खुद की पेरेंट है स्टार्टिंग में। और रैंक को आपको 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आपने एन एन साइज के एरे इनिशियलाइज कर दिए हैं, वेरी गुड। आपने बोला इंट मिनिमम वेट 0, जो भी आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर लें उसका स्टार्टिंग वेट आपने 0 रख दिया है। आपने क्या बोला कि जितने भी मैंने यहाँ पे सॉर्टेड रिकॉर्ड्स बना दिए हैं उनके ऊपर मैं इटरेट करूंगा, हर रिकॉर्ड में से जो भी मेरी नोड निकल के आ रही, लेट से यहाँ पे नोड ये थी, दूसरी नोड ये थी, इनका आपने पेरेंट फाइंड आउट कर लिया, पेरेंट फाइंड आउट कर लिया। पेरेंट फाइंड आउट क्यों किया है, क्योंकि पेरेंट के आधार पर आप बता पाओगे कि दोनों नोड जो हैं, ये वाली नोड और ये वाली नोड, सेम कंपोनेंट में लाई करती है नहीं करती है। आपने इसका पेरेंट निकाल लिया यू और वी, अगर ये डिफरेंट है, जैसे मैंने क्रिस्को सर एकदम बताया था कि अगर ये डिफरेंट है तो आप इनका यूनियन करते हैं, अगर ये सेम होती तो आप इसमें इग्नोर कर देते, राइट। तो आपने वेट निकाल लिया, अगर ये डिफरेंट थी तो आपने इसको मिनिमम वेट में इंक्लूड कर लिया, यूनियन कर दिया, और आंसर आपने रिटर्न कर दिया। इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो आपको साफ साफ दिख रहा है, आपको साफ साफ एक चीज दिख रही है यहाँ पे कि हमने यहाँ पर सॉर्टिंग करी है, सॉर्टिंग करी है। लेट्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एजेस जो है एम थी, तो आपकी सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, एम लॉग एम हो जाएगी, इस प्रकार कुछ कुछ हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये जो फंक्शन है ये आपका एजेस डॉट साइज तक ही चल रहा है, ठीक है, सेम ही है। फाइंड पेरेंट आपने फंक्शन कॉल किया है, आपका जो फाइंड पेरेंट वाला फंक्शन होता है या फिर आपका जो यूनियन सेट वाला जो फंक्शन होता है, स्टडीज ये बताती हैं या रिसर्च जो भी है वो ये बताती है कि ये नियरली कांस्टेंट होता है, नियरली इसका टाइम कांस्टेंट होता है। अगर मैं और गहराई में जाऊं तो ऐसा कुछ कुछ कहते हैं कि बिग ओ फोर अल्फा के इक्वल होता है, जो कि नियरली फोर ओ बिग ओ फोर के इक्वल होता है, जो कि बेसिकली ओ वन में कह सकता हूँ, कॉन्स्टेंट टाइम में इसे कह सकता हूँ, राइट। तो अगर मुझे दिख रहा है मैं यहाँ फाइंड पेरेंट कॉल कर रहा हूँ या मैं यूनियन कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे साफ साफ नजर आता है कि उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, मेजर जो टाइम लगने वाला है यहाँ पर ही लगने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ इस एंटायर सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एम लॉग एम ही होने वाली है, ठीक है, फोर अल्फा या ओ ऑफ फोर या ओ ऑफ वन से, ठीक है, वो नेग्लिजिबल मान सकता हूँ मैं इन कंपेरिजन टू दिस एम लॉग एम। अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो वो तो सिंपल है दोस्त, वो तो सिंपल है, वो तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, यहाँ पे ऑफ एन यूज कर लिया आपने, ऑफ एन यूज कर लिया, राइट, और आप ऑफ एम यूज कर रहे हैं जिसके लिए, ठीक है। तो ठीक है, मुझे समझ में आता है कि मैं कह सकता हूँ कि ऑफ एन में आपने लीनियर स्पेस यूज करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन में जो कोड है वो आपको थोड़ा बहुत बड़ा लग सकता है, बट आप दो तीन बार, दो तीन एग्जांपल्स पर ड्राई रन करेंगे तो आपको ये कोड बिल्कुल मजाक लगने लग जाएगा, राइट।
तो इस प्रकार हमने समझ लिया कि यार क्रिस्कल्स एल्गोरिथम किस प्रकार काम करती है, किस प्रकार कोड करना है, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। आपको अब कोई पूछे कि यार दो नोड दे रहा हूँ बताओ सेम कॉम्पोनेंट में है डिफरेंट कॉम्पोनेंट में, तो आप बता दोगे। आपको कोई पूछे कि मैं मिनिमम स्पैन एंट्री फाइंड आउट करके दिखाओ यूजिंग प्रिम्स या फिर क्रिस्कल्स एल्गोरिथम, बोला नहीं जाता ये क्रिस्कल्स एल्गोरिथम, तो आप कर देंगे। इस रूम में इतना ही, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप कि क्या सा रहा, मजा आ रहा है नहीं। अगर आपको हमारे डेडिकेशन पर शक है, हम छोड़ के भाग जाएंगे वाला डर है, तो हम आपको घड़ी दिखा देते हैं। घड़ी कहती है 3:16, कैसे दिखाएं घड़ी आपको, मान लीजिए हमारी बात, मान लीजिए झूठ नहीं बोलते, ठीक है। तो इस रूम में टाइम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए